नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। विस्तार से बात करेंगे, दो मुद्दे बड़े हैं, उन पर सवाल भी हैं, लोगों की राय भी है, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज की तीन बड़ी खबरें, और तीन बड़ी खबरों में से पहली खबर देश के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा को लेकर क्रेमलिन ने बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री 5 साल के बाद रूस यात्रा पर जा रहे हैं। इसके पहले सितंबर 2019 में उन्होंने रूस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सालों के बाद वार्षिक शिखर सम्मेलन करेंगे। अब तक भारत और रूस के बीच एक दूसरे के देशों में 21 वर्षीय शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया था। तब राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम बताया है। लावरोव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों की राजनीतिक विदेश नीति ढांचे को अनुपालन करता है। भारत हमारे प्राथमिकता वाले देशों में है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पहले दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी थी, लेकिन अब विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी है। भारत और रूस के बीच अब राष्ट्रीय मुद्राओं में 60% व्यापार होता है। व्लादिमीर पुतिन इसी साल मई में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, और प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को लगातार 3री बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है।